मैडम सर में हुई है चंद्रमुखी चौटाला की एंट्री। फर्स्टली मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं बहुत मिस करती थी FIR में हैविंग यू नो वुमन कंपेनियन, बट ऑब्वियसली मैं सारे आदमियों से घिरी हुई थी वहाँ जो भी बड़े क्यूट थे। जब मैंने मैडम सर देखा था या जब आप टीवी पे देखते हो ना तो एक अलग इमेज होती है, तो आई डिडंट नो दैट दीज गर्ल्स आर गोइंग टू बी एज मैड एज मी एंड एज दे आर सो स्वीट। सो आई हैड अ ब्लास्ट ऑफ अ टाइम और अब मैं जा रही हूँ वापस। कल तो मुझे ऑलरेडी वो दुख हो रहा है बिकॉज नो स्पेशली शी इज सो वंडरफुल एंड स्वीट एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद देम। जी हाँ, ये वही चंद्रमुखी चौटाला हैं जो FIR में दिखाई देती थी। चंद्रमुखी चौटाला आई हैं एक केस को सॉल्व करने के लिए। सीन की बात करें तो चंद्रमुखी मैडम सर के ऑफिस में पहुंची हैं। वहाँ एक कॉफिन रखा हुआ है, ये कॉफिन एक मम्मी का है। नहीं तो मेरे लिए तो इट वाज अ वेरी बिग फैन मोमेंट। मैं इनको देख के मैं फफल गई थी। एवरीबॉडी ऑन सेट मेड फन ऑफ मी क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है जब मैं FIR देखती थी मुझे लगता था कि बॉस करो तो ऐसा तबला तोड़ करो वरना मत करो। एंड व्हेन मैडम सर हैपेंड एवरीबॉडी कम, आप यकीन नहीं करोगे इन्होंने मुझसे भी अच्छा किया है। लोगों ने मुझसे पूछा है FIR अब मैडम सर वो कॉप शो ये कॉप शो उधर कविता कौशिक इधर आप। मेरा हर बार यही होता था कि ये जो है ये हमारी माँ है, मैंने इनको देखकर सीखा है कि स्वैग क्या होता है और स्टाइल क्या होता है और कॉन्फिडेंस क्या होता है। एंड आई गॉट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हर, आई एम स्टिल गिगलिंग, आई एम स्टिल ब्लशिंग। शी इज जस्ट वेरी वेरी स्वीट, शी इज वंडरफुल एंड आई थिंक शी इज अ यू नो लाइक अ बॉम्ब हरसेल्फ ऑन स्क्रीन, सो आई एम रियली हैप्पी। तभी करिश्मा और उर्मिला कहती हैं कि हमें एक मौका दीजिए, हम इस मम्मी को संभाल के रखेंगे और दोनों कॉफिन को लेकर भाग जाती हैं। जिसके बाद चंद्रमुखी चौटाला भी उनके पीछे भागती हैं। अब इस कॉफिन में क्या राज छुपा है ये तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे पहले जरा सुनिए चंद्रमुखी चौटाला और उर्मिला से इस पूरे सीन के बारे में। There's literally no words. मतलब हर बार होता है कि exciting story है, ये twist है, वो twist है. इस बार this is big fan moment. मतलब मुझे लग रहा है मैं क्या ही बताऊँ. I wish she was there for 10 episodes. But please watch it. I think मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये या हम अगर FIR में होते या ये अगर यहाँ permanently होती तो जो हम जितनी मस्ती करते हैं या हम जितना crazy हैं उसका 1000% ज़्यादा होता. And I kind of feel bad that it's just one episode. मैं एक ही कहानी के लिए आई हूँ, एक एपिसोड ही है, लेकिन लाइक आई सेड मैं इवन ड्यूरिंग FIR में बोलती थी जब आप लोग आते थे इंटरव्यूज होते थे कि मैं मिस करती हूँ बहुत. एक इनफैक्ट 9-10 साल आप इमेजिन करिए कि मैं रोज़ मेरा जीवन बिना यू नो फीमेल बॉन्डिंग के बीता. No seriously, that has an effect on your, you know, everything. So it made me my exterior very harsh, you know. So वैसे भी I'm the only child, तो मैं बड़ी भी अकेली हुई हूँ. And you know when I met these girls and saw their camaraderie, I got really emotional. And at least I'm happy that मुझे ये तो experience करने को मिला, चाहे 2-3 दिन के shoot के लिए ही मुझे experience करने को मिला, लेकिन इनका प्यार एक वो जो ये inherent है जो एक women में एक warmth होती है, compassion होता है, एक अपनापन होता है, वो है, वो फ़र्क होता है. आई मीन ऑफकोर्स एक FIR की मस्ती अपनी मस्ती थी, बट मैं वहाँ पर भी ये बोलती थी आई मिस दैट सिस्टरहुड, काश और थोड़ी यू नो. मैं वो मंजू जी के ऊपर ही चेप रहती थी और मैं इतना पाइलॉन हो जाती थी मंजू जी को. मंजू जी कहती वो जा व्हाट. सो गॉड ब्लेस दीज गर्ल्स, आई रियली विश इनका शो FIR जितना लंबा चले, 9-10 साल चले एंड इनकी बॉन्डिंग ऐसी अच्छी रहे. एंड दीज गाइज एंड वी आर कमिंग टू गोवा. आप गोवा आएंगी तो आप मेरे पास रहेंगे आके. हाँ
दिन में योगा करेंगे, शाम को पार्टी करेंगे। Yes! Yes!